ओम शांति। ओम शांति। ओके, कहाँ के रहने वाली हैं? जयपुर की हूँ। ओके, जयपुर की हैं आप, ओम शांति हैं। तो आप यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मोदी जी से शादी करना चाहते हैं। मोदी जी से आप शादी करना चाहती हैं? अच्छा, तो आपने मोदी जी के पास अपना ये मैसेज भिजवाया आपने? लेकिन मैं भेजती हूँ, लेकिन कोई मोदी जी को देते ही नहीं है। कैसे भेजती हैं आप? कर्मचारी लोग मेरे को, कोई पुलिस वाले परेशान करते हैं। अच्छा, लेकिन आपको पता है मोदी जी तो पहले से ही शादीशुदा हैं। लेकिन मैं भी तो शादीशुदा हूँ। अच्छा, आप भी शादीशुदा हैं। ओके, जैसे मोदी जी की स्टोरी वैसे हमारी स्टोरी है। अच्छा, जैसे मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ऐसे आपको आपके पति ने छोड़ दिया? मेरे को पति ने छोड़ दिया। ओके ओके, तो आप मोदी जी से शादी, तो आप बताइए कैसे अपना मैसेज भिजवाएंगी? मोदी से शादी करनी है आपको, कैसे आप अपना मैसेज भिजवाएंगी? वीडियो के जरिए भेज दीजिए। नहीं भैया, हम तो भेज ही देंगे। हम मैं तो उनको एक महीने से भूखी बैठी हूँ। मोदी जी को समझाओ कि कर लो शादी, आप तो राजा जी हो संसार के, क्यों अगर 10-20 भी रख ले तो उनके क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उन्हें क्या, उन्हें कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, मोदी जी आपसे शादी क्यों करेंगे? मोदी जी को क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बराबर, क्योंकि मैं मेरी बेटी को तो राहुल गांधी से शादी करूंगी और मैं भाजपा मोदी जी से शादी करूंगी। अच्छा, आपकी बेटी भी है? हाँ। उसकी राहुल गांधी से शादी करनी है? हाँ। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर होनी चाहिए ना? हाँ, सही सही सही, दोनों एक है भी। हाँ। दोनों एक है भी, तो बिल्कुल सही। मोदी जी को सब सब लूट, सबको मोदी जी देते देते कि कोई मोदी जी को भी तो देते हैं, नहीं देते ना? सही बात। तो मोदी जी की तो सेवा करनी चाहिए। मैं 50 करोड़ रुपए दूंगी और शादी करूंगी और मेरी बेटी को भी मैं 50 करोड़ रुपए। अरे आप 50 करोड़ रुपए मोदी को देंगी आप? हमारी जमीन है, मेरे ससुराल में जमीन है 50 बीघा और मेरे मायके में जमीन है 50 बीघा। मेरे मेरे इससे 50 करोड़ रुपए आप मोदी को दे देंगी शादी के लिए? और राहुल गांधी जी को 50 करोड़ दूंगी। अच्छा, उनको भी देंगी? अच्छा, बेटी की शादी करनी है आपको, उनको भी? मैं एक महीने से भूखी बैठी हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं करते, क्या करूँ मैं? तो आपको यहीं पास में ही मोदी जी का ऑफिस है, वहाँ चला जाना चाहिए आपको। नहीं, कर्मचारी लोग भगा देते हैं ना, मेरे को नहीं जाने देते ना, वो तो अपना काम बनाते हैं, दूसरों की उनको परवाह थोड़ी है। अच्छा। हाँ। तो बताइए मोदी जी, आप शादी करना चाह रही हैं, मोदी जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को आपको एक कोई मैसेज देना हो तो आप क्या बोलेंगी मोदी जी के लिए, क्या बोलेंगी कि मुझे स्वीकार कर लीजिए, शादी कर लीजिए? अच्छा, ना तो आदमी की, जेंट्स की भी मोक्ष नहीं होती है, लेडीज की भी मोक्ष नहीं होती है शादी के बिना, वे मरते दम तक उनको यही ताने मिलता है। तो वो तो मोक्ष मिल गया ना उनको, तो शादी कर लिए हैं वो तो। अरे मोदी जी शादी कर चुके हैं, वो तो शादी आप भी कर चुकी हैं, दोनों को मोक्ष मिल गया है। लेकिन क्या बोलते हैं, उसको ताने तो मारते हैं ना, अरे मोदी जी अपने बीबी को छोड़ दिए, छोड़ दिए। हाँ, फिर ये ताना मारते हैं, ऐसे आपको ताने मारते हैं, आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा? मेरे को ताना मारते हैं सब। आपने छोड़ा क्या? मैंने नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड इनके हस्बैंड ने छोड़ा है, वो भेद के लालच में। तो मोदी से ही करोगी या किसी और से भी करोगी? तेरे से भी ज्यादा करोड़पति है क्या? ओनली फॉर मोदी। हाँ। अच्छा, ये अरब के मालिक है तो वो उससे भी ज्यादा है क्या? ये हमारे दोनों की जमीन है, मेरे मायके में भी जमीन है, मेरे ससुराल में भी जमीन है, 100-100 बीघा जमीन है। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लगे हैं हीरा जवाहरात तो काम करता है जयपुर में। हाँ। तो वो दहेज के चक्कर में मेरे को रखता नहीं है, मैं दहेज नहीं लेके आई है। तो बेटी कहाँ रहती है आपकी? मेरी बेटी मेरे भाई के पास है जयपुर। कितनी बड़ी है वो? 27 साल के डॉक्टर की। 27 साल से दहेज ही मांग रहा था आपसे? मैं तो 27 साल से मायके में कभी गई नहीं ससुराल, बच्ची को भी पेट में लेके आ गई थी, वो मेरी बच्ची को भी कभी नहीं देखा। मेरी बच्ची को मैं ही पढ़ाई लिखाई, उसको मैं ही बड़ी करी हूँ। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 साल है। मोदी जी की बताइए, 63 साल हो गई है, उम्र 65 साल होने वाली है। 68। हाँ, देखिए 68 साल। आप इतने बड़े, मतलब इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी क्यों करना चाहते हैं? जेंट्स की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा, जेंट्स की कोई उम्र नहीं, लेडीज की? लेडीज की होती है, लेकिन जेंट्स की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा, तो जमीन जायदाद धन दौलत तो यहाँ पे रहते तो किसी के साथ थोड़ी जाती है। हाँ, सही बात है। सेवा करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, मान सम्मान इज्जत मर्यादा देते हैं, मर्यादाओं से चलते हैं, उसी का नाम चलता है। नहीं, धन दौलत सब कुछ यहाँ ही रह जाए, किसी के साथ नहीं चलते हैं। अभी यहाँ से आता है, मतलब कहाँ जाओगे अभी? यही आता है। अच्छा, आपने किस किस को बताया कि आप मतलब मोदी जी से शादी करना चाहती हैं? आपने
यहाँ इतने लोग हैं दिल्ली में, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, केजरीवाल को आप बता दीजिए कि मैं मोदी से शादी करना करवा देंगे। केजरीवाल के साथ तो मैं 10 रोज तक भूगड़ताल पे बैठी हुई हूँ। तो उसने केजरीवाल ने आपकी मदद नहीं की? नहीं। अरे उसको करना चाहिए, वो सबकी मदद करते हैं। मेरे को तो अनशन में से भगा और दिए थे। तो आपको एक चिट्ठी लेके केजरीवाल के पास जाना चाहिए कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमारी शादी करवाइए मोदी जी के पास। करवा देंगे। हाँ, वो करवा देंगे। हाँ, पंडित भी साथ ही साथ ले आओ। बैंड बाजा पर आप सब प्यार मिलेगा। वो तो ऐसे मौके तलाश में रहता है। भागदौड़ तो करनी पड़ेगी। नहीं तो मोदी जी इतने अच्छे आदमी है, केजरीवाल बीच वाले का आदमी क्यों खोजेंगे? केजरीवाल मोदी जी खुद बहुत अच्छे आदमी हैं। आप एक बार उनके ऑफिस जाइए और बोलिए वहाँ लोगों से, कोई मना करे, कोई मना करे तो कहिए मुझे मोदी जी से शादी करनी है, एक बार मोदी जी से मिलवाते दीजिए। अगर वो मोदी जी से मिलवा देते हैं आपको और वो प्रधानमंत्री काले दे जाते हैं। अरे घर जाइए, ऑफिस मत जाइए, उनके घर है जो, वहाँ जाइए। घर भी गई थी, वहाँ भी भगाते हैं। नहीं भगाएंगे उनको, बोलिए कि अरे उनको बोलिए कि मोदी जी खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। सब घबरा जाएंगे, सब घबरा जाएंगे। अब ये मत कहिए कि मैं मोदी जी से शादी करना चाहती हूँ, आप ये कह दीजिए एक बार कि मोदी जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। कितना दिन हो गया यहाँ बैठे हुए? एक महीने से भूखी हूँ मैं। तो मीडिया वाले में कोई आते हैं आपके पास? किसी को पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत से धरने चल रहे हैं ना, वो किस किस के पास आते हैं। नहीं नहीं चलिए ठीक है, आपकी बात पहुँच जाएगी। अच्छा आप फोन ली हैं तो आप इसमें ट्विटर फेसबुक नहीं चलाती हैं? सब कुछ चलाती हूँ लेकिन मोदी जी के ना तो मेरे पास। अरे तो मोदी जी का पेज है, आप उस पेज पे अपनी बात कह दीजिए कि मोदी जी से हम शादी करना चाहते हैं। आपकी बात तुरंत मोदी जी 5 मिनट में मोदी जी तक पहुँच जाएगी। जानती नहीं हूँ। तो किसी से करवा लीजिए, जो जानता हो उससे करवा लीजिए। पेज मतलब फेसबुक पे पेज होता है, ट्विटर पे। हाँ मैसेज चला है। हाँ मैसेज, हाँ मैसेज चला जाएगा उनके पास, मैसेज चला जाएगा, वो चल जाएगा। कोई नहीं, वो हाँ वो सब जानते हैं। चलिए आपका मैसेज पहुंचा देंगे, मेरी हमारे पास आ गया, पहुंचा देंगे।